हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रियली व्लॉग्स एंड वीडियो। आज मैं कुछ चीज़ें दिखाने वाली हूँ जो मैंने ख़रीदा है, और वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है पर दिखाना अच्छा होता है। तो मेरे पास मैंने कुछ कुछ चीज़ कॉस्मो बाजार से ख़रीदा है, वो सब चीज़ आप सभी लोगों को दिखाऊँगी। अब मैं तो बहुत कम चीज़ें मैंने लिया है बिकॉज मेरे पास मीन्स उस दिन थी मार्केट करने के और उस दिन ही मेरे ट्यूशन थे, तो बहुत कुछ ना मैंने खरीद नहीं पाया है पर ख़रीदा है। जैसे जैसे मैं बता नहीं रही हूँ, सिर्फ आप लोगों को दिखा दूँ कि मैं क्या क्या खरीदी हूँ। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। बू तो गाइस, हमारे पास है छोटू सा जग। ये देखिए, एक छोटू सा जग, मैं आपको मिरर से दिखाई देती हूँ। ये देखिए छोटू सा जग है, ये छोटू सा जग है जो मीडियम साइज है, बहुत छोटा नहीं है, मीडियम साइज है। और इसमें दो टू पीपल्स का मीन्स वाटर हो खाना हो जाता है, दो इंसान का पानी इसमें भर जाता है फुल। और इसको खा के मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ आप सब लोगों को। ये देखिए, ये देखिए गाइस, इसमें पानी है, पानी है, जो खा के दिखाना बहुत ज़रूरी है ना। मैंने सच में खाया है, झूठ नहीं बोल रही हूँ। सच में खाया है। मैं ग्लास में डाल के खाना और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मैंने ख़रीदा है, इसका रुपीज़ आपको सब लोगों को बता देती हूँ। इसका रुपीज़ है 20 रुपीज़, आपको पड़ जाएगा, मीडियम साइज़ है। और देन आपको मैं दिखाने वाली हूँ ये वाला, तो देखो ये वाला लिया है मैंने। ये वाला खरीदा है, मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ आप सुन लोगों को। तो ये मैंने लिया है, जब बेजलिन लगाया था तो बेजलिन नहीं है पर है, तो रख देती हूँ उसको। या पर ये है, ये मुझको मिला था 15 रुपीज़ में, जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है एंड बहुत अच्छा है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ 15 रुपीज़ में मुझको मिल गया था। तो आप भी मुझको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, फेसबुक कमेंट बॉक्स में, जो आपके सिटी में क्या मिलता है ऐसा है? तो चलो मैं और एक चीज़ दिखा देती हूँ। तो ये है मेरे मम्मी के, ये 1 पीस 10 रुपीज़ का है, दो लिया है। तो मेरे मम्मी के पास आगे से बहुत सारा है, ये देखिए ये भी दो लिया था। तो मेरे मम्मी के पास बहुत ज़्यादा है, ये देखिए बहुत सारा है, बहुत सारा, इसलिए दो लिया है। तो ये एक है, तो आज मैं मेरा ज्वेलरीज भी दिखाने वाली हूँ। मैं कुछ खरीदी हूँ और ज्वेलरीज भी दिखाने वाली हूँ आप सब लोगों को, बिकॉज बहुत सारा फ्रेंड्स ने बहुत सारा वीडियो देखना चाहता है पर वो कमेंट में नहीं लिखता है, पर इसलिए मुझको सब का जो मन की इच्छा होते हैं उसको पूर्ण करना है। तो इसलिए मैंने आज भी ज्वेलरीज भी दिखा दूंगी, बिकॉज मेरे कोलकाता का वीडियो किया था तो वो थोड़ा सा डेट ट्रांसफ़र हो गया है मैंने, बिकॉज मैंने जो मैंने बोला था ना, मेरे फादर के जो सिस्टर है तो उसका थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, तो इसलिए मैंने क्या, मेरे पापा ने बोला कुछ दिन बाद जाना है, तो सरस्वती पूजा में मैं मेरे सिटी में ही रहूँगी, बिकॉज मैं मेरे सिटी में हाई स्कूल है, तो हाई स्कूल में गंगारामपुर हाई स्कूल, तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी सरस्वती पूजा होता है, तो उसमें मैं साड़ी पहनूँगी, बहुत सारा ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज पहनूँगी,
दूंगी। और मैंने एक बहुत अच्छा मयूर ईयरिंग खरीदा है, वो भी आप सब लोगों को दिखाऊंगी। तो ये है 10 पीस करके, तो 20 रुपीज़ में ये दो लिया है। तो एक्चुअली मेरे मम्मी का कोटा का बहुत शौक है, बिकॉज बॉक्सेस मम्मी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलो अब हम और एक चीज़ दिखा देते हैं आप सब लोगों को, जो मैंने सच में लिया है, बिकॉज ये सब मैंने लिया है और सब बहुत कम प्राइस में है, और कम प्राइस में है तो इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये है एक नेट के, जो आप बंगाली में छाकनी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलता है मैं नहीं जानती, बिकॉज उतना ज़्यादा हिंदी मुझे नहीं आता है, उतना ज़्यादा प्रॉपर हिंदी में बता नहीं सकती हूँ। तो ये है एक छाकनी जो यहाँ पर है, ये बहुत ज़्यादा काम के है। तो मैंने बोला मम्मी ले लो, बिकॉज मेरी ही मैंने एक पैसा जमा किया था, तो वो मम्मी को दे दिया। देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना दिखने में नेट, कितना अच्छा लग रहा है। तो ये नेट का है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 15 रुपीज़ में मिल गया था। तो और ये लिया है, ये है ब्रश जो मुझको 10 रुपीज़ में मिल गया है, और बहुत कम रुपीज़ में मिल गया है। ये ऑयल ब्रश बोलता है ना, जो मैंने मम्मी को बोला ये ले लो, ये नान करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, नान के ऊपर बटर लगाना और कढ़ाई में ऐसे बटर देना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये लिया है जो नींबू का होता है ना वो वाला, और इसमें कैन का जो स्टील का होता है कैन, उसको खोलना भी है। तो इसका मुझे पड़ गया है 30 रुपीज़। ये बहुत ज़्यादा मजबूत है, भारी है इसलिए। तो ये सब चीज़ मैं फ्रिज में रख के आती हूँ। और गाइस अब मेरे पास है सब, मैं कॉस्मो बाज़ार से ली हूँ। और ये मेरा पास है टॉवल जो मैंने कॉस्मो बाज़ार से खरीदा था, मतलब मैंने पागल हो चुकी हूँ। आज भी मेरा ट्यूशन है इसलिए बड़े पागल हो चुके, इतना ज़्यादा ट्यूशन होता है मेरा, रोज़ दिन ही होते हैं, रोज़ होते हैं ट्यूशन। ये टॉवल 50% ऑफर चल रही थी कॉस्मो बाज़ार, तो ये मैं 99 रुपीज़ में मिल गया। और ये बहुत सॉफ्ट है, और इसका कितने साइज़ है वो भी मैं बता देती हूँ आप सब लोगों को, दिखा देती हूँ, पता नहीं। ये देखिए, ये मेरे लिए एकदम ठीक है, इतना बड़ा है, और ये मेरे साइज़ का भी है, तो मैं यही साइज़ चाहता था, तो ये साइज़ में मिल गया, मुझको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और इस बहुत सॉफ्ट है, सच में ये बहुत सॉफ्ट है, बता रही हूँ आप सब लोगों को, बहुत सॉफ्ट है ये। तो गाइस और ज्वेलरीज दिखाती हूँ, चलो लेट्स स्टार्ट। बू, मेरा ना ज्वेलरीज का बहुत ज़्यादा शौक है, तो यहाँ पर मेरा कुछ ज्वेलरीज है जो मैं शन पापड़ी का कोटा में रख दिया है। तो चलो, और तो मेरे पास एक्चुअली में बहुत सारा नहीं है, पर है बहुत कम, नहीं बोलूँगी आप सब लोगों को, तो इसको सेट कर देती हूँ। तो ये सेट कर दिया, मैं थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ, ऑफ हो गया ना तो पूरी वीडियो ख़राब हो जाएगा। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिखाना चाहती हूँ इस वाला बॉक्स में क्या क्या है। तो इस वाला बॉक्स में मेकअप स्पंज जो बहुत छोटा हो चुका है, और मैं अब इसको अभी भी यूज़ करती हूँ, पर मैं न्यू खरीदूँगी बहुत जल्दी। ये बहुत ज़्यादा छोटा नहीं थे जब ख़रीदा था, पर यूज़ करते करते ये छोटा हो गया है। और इसमें पानी में जब सोप हो जाता है, पानी भर के सोप कर देती हूँ। फर्स्ट ईयर रिंग मेरे पास है, वो है ये ईयर रिंग्स जो बहुत सुंदर है। मैं सबका प्राइस सबको बता देती हूँ, तो स्पंज इसमें है, तो स्पंज का प्राइस भी बताना चाहिए, 50 रुपीज़ में मिल रहा है। ये देखिए, ये है झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो मेरा क्रॉड हेयर बैंड का कलेक्शन नहीं है मेरे पास, दो अभी तक है, मेरे क्रॉड हेयर बैंड उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। ये है ज्वेलरीज जो झुमके हैं, झुमके ही रात है, झुमके ही बात है। तो नेक्स्ट है मेरे पास ये मयूर ज्वेलरीज,
तो ये मैंने बताया था ना, न्यू खरीदा है ये, मैं सरस्वती पूजा में पहनूंगी और इसलिए मैं दिखा देती हूँ। अरे तो गाइस, तो ये है मेरे पास मयूर के, और ये 110 रुपीज़ में थे फेसबुक में ना। मेरा गंगानामपुर में एक दुकान है, पिंटू खान चौधरी, उसके ज्वेलरीज का एक शॉप है प्रीथा ज्वेलरीज, उसमें ना फेसबुक में फोटो देता है, ज्वेलरीज का प्राइस जो है थोड़ा सा कम करके बताते हैं। तो इस ज्वेलरीज का मैं पीपी लिखा था, तो उसने दिया था 50 रुपीज़। तो मैंने दुकान में जाके लड़की को बोला, एक लड़की थी कस्टमर थे कस्टमर सॉरी जो एक लड़की थे उसका, तो वो लड़की ने बोला 110 रुपीज़। मैंने बोला 110 रुपीज़, और मैंने दिखा देखा दिया, मैंने बोला जो यहाँ पर मेरे सिस्टर थे तो वो थोड़ा सा हंस रहे थे, तो मेरे सिस्टर बहुत ही ज़्यादा बदमाश है लड़की। और ये मैंने बोला देखो मैं लिखा था पीपी, तो उसने दिया है 50 रुपीज़, तुम 110 रुपीज़ बता रहे हो। तो बोला तब बोला जो बंगाली में बोला दादा बोल दादा बोल लिखे छे फेसबुक के जे 50 रुपीज़ से, तो कौन बोलो हाँ दादा लिखे छे जे 50 रुपीज़ एट दम तो 50 टका ही हमी पाबो। उसमें दिखा था हिंदी लोग के लिए बता देती हूँ, बोला था दादा बोला है आप सब लोगों को जो 50 रुपीज़ में दे रहा है इयररिंग्स। मैंने बोला हाँ फेसबुक में दिया है 50 रुपीज़ में। तो बोला ठीक है मैं नहीं जानता था, आप लोग ही है जो 50 रुपीज़ दिखाता है। मैंने बोला हाँ, तो 50 रुपीज़ में ये 1 पीस ही थे, यहाँ पर जो फेसबुक में स्टॉक दिखाते हैं सिर्फ इयररिंग्स 1 पीस करके ही रखते हैं, और पैसेंजर ले लेते हैं और फेसबुक पर लिखे देते सोल्ड आउट बिकॉज वो ले लेते हैं। और मैंने ये बहुत ही अच्छा लगा, नेक्स्ट डे मैंने गया और इसको पिक करके लेके चला आया, और सिर्फ 50 रुपये में मिल गया। बिकॉज़ मैंने नेक्स्ट डे मेरे पापा को बोला मैं जाऊंगी, और उधर जाके मैंने ये 50 रुपीज़ में पिक करके लेके चला आया, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो सबका उतना अच्छा लक नहीं होता जो मिल जाता है। तो इयररिंग्स आप सब लोगों को दिखा दी, बहुत ही स्वीट इयररिंग्स है। और ये बोला है जो ये पॉलिश होता है ना उठ जा, तो दुकान दुकान में आके 15 to 20 रुपीज़ दे के इसको पॉलिश करना है, पॉलिश कर देगा दुकान वाले। तो ये है झुमका नीचे में है, और यहाँ पर मयूर है, एक्चुअली ये मेरा ही है, और ये मैं सरस्वती पूजा में साड़ी के साथ पहनूंगी, खोपा करूंगी, और ये इयररिंग्स पहनूंगी बिकॉज ये ऑक्सीडाइज का इयररिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये है मेरे मेरे पास उतना ज़्यादा कलेक्शंस नहीं है, पर मैं थोड़ा थोड़ा करके कलेक्शन बढ़ा रही हूँ। तो ये है झुमका जो बहुत ही स्वीट है और मुझको बहुत अच्छा लगा, मैंने फोटो में देखा और ओ माई गॉड इट्स वेरी गुड सुपर, एंड इसका क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज मैंने जब दुकान में गया ना थोड़ा सा चेक करके लिया है, पर मैंने देखा कोई भी डिस्प्यूट नहीं है इसमें, सब अच्छा है, और इसमें झुमका का बॉल सब है, एक भी उठा नहीं है, बहुत अच्छा है। और इसको मैं सामने से एक बार से आप सब लोगों को दिखा देती हूँ, सामने से ऐसे और ऐसे, और ये दो मुझको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा बिकॉज मयूर है, एंड मयूर का एक फिंगरिंग मैंने ऑनलाइन में ऑर्डर दिया है, वो 5 to 6 days में आ जाएगा। उसका रुपीज़ है सिर्फ और सिर्फ 25 रुपीज़, वो इतने साइज़ में है, तो डिलीवरी चार्ज 15 रुपीज़ लगेगा, तो ठीक है कोई भी दिक्कत नहीं है, 30 रुपीज़ में मुझको मिल जाएगा। तो ये है इयररिंग जो मैं 50 रुपीज़ में मिला है, वाओ इट्स वेरी गुड, मुझको बहुत अच्छा लगा। तो पिंटू खान चौधरी ने और कुछ इयररिंग्स कलेक्शन नहीं दिया है, तो मैंने ना इसको यहाँ पे पैकेट में घुसा के रखी हूँ बिकॉज ना बॉक्स थोड़ा सा हिला दो तो ये टूट सकता है, मीन्स टूटेगा तो नहीं है, बाई चांस टूट गया तो बहुत मुझको खराब लगेगा। तो ये मेरे फेवरेट इयररिंग है, सबसे प्यारा कौन है मयूर तू ही मयूर, मैं पागल हो चुकी हूँ, आप सब लोगों को बता देना मैं पागल हूँ। और मेरे पास ये है तो ये सबसे प्यारा कौन है मयूर, मेरे मयूर।
एक भी लोग मेरे फ्रेंड्स कोई भी फ्रेंड मुझको पागल नहीं बोलता है, बिकॉज सब लोग मुझको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं जानती हूँ और मैं चाहती हूँ ये वीडियो आप सब लोगों को अच्छा लगे, तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना। और जो जो मेरे वीडियो मेरे चैनल पे न्यू है उस सब लोगों को मैं वेलकम देती हूँ और वो सब लोगों को भी बता देती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना। तो ये है मेरे ईयरिंग्स मयूर वाला, तो ये है मेरे बॉल ईयरिंग्स, बॉल नहीं डोनट ईयरिंग्स, बिकॉज डोनट ऐसे ही दिखता है। ये देखिए डोनट ऐसा दिखता है ना, पर इसका थोड़ा सा राउंड थोड़ा सा छोटा होता है, यही बात है, यही बात यही बात है। तो ये मुझको मिला है 30 रुपीज़ में। ओ इसका प्राइस मैंने बता नहीं, इसका प्राइस भी 30 रुपीज़ है पेयर्स देख के, इसका भी पेयर्स है 30 रुपीज़, 2 पेयर्स 30 रुपीज़। और मेरे पास झुमका गिरा रे, तो ये छोटे छोटे पीकी पीकी झुमकेज है मेरे पास, और ये जैसे नूपुर के जैसे हैं, नूपुर आप सभी लोग नूपुर हैं, नूपुर। तो ये है 10 रुपीज़ झुमका गिरा झुमका, ये 10 रुपीज़ में, ये इसलिए मेरे पास बहुत ज़्यादा है, इस 10 रुपीज़ करके मैं दो लेती हूँ सेट्स, तो लेके बहुत सारा हो गया है। तो इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका प्राइस है 20 रुपीज़, इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका प्राइस है 20 20 20, वैसे बहुत ज़्यादा भारी है। और यहाँ पर कलरफुल्स बिग बिग बॉल्स हैं, और यहाँ पर अगेन मेरे पास है एक पिंक ईयरिंग्स, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा है और इस पर जोड़ गया है एक साथ, पप्पा ये एक बार टूट गया ना तो मैं मर जाऊंगी। तो ये भी मुझको मिला है 10 रुपीज़ में, ये झुमका यूजुअली 20 रुपीज़ में मिलता है पर मेरे सिटी में इसमें 10 रुपीज़, ये भी 10 रुपीज़। मेरे पास कलरफुल कलर्स है, सेम कलर्स नहीं है। फिर ऑरेंज है मेरे पास, ये भी 10 रुपीज़। मेरे पास ये वाला एक है जो मीन्स थोड़ा सा कुसल गया इसलिए, ये भी बहुत ज़्यादा कलरफुल है बिकॉज इसमें बॉल्स है छोटे छोटे, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। ये देखिए ये मुझको मिला है 15 रुपीज़ में, ये थोड़ा सा ज़्यादा लिया है बिकॉज नहीं जानती हूँ। और यहाँ पर अगेन एक ईयरिंग्स है जो मुझको 5 रुपीज़ में मिला है 5 रुपीज़। और यहाँ पर एक ब्रेसलेट है, ब्रेसलेट जो मुझको 15 रुपीज़ में मिला है, वो ब्रेसलेट बहुत ज़्यादा अच्छा है, आवाज़ होते हैं। ये एक 10 रुपीज़ करके है, मैंने दो लिया है, एक रेनबो और एक नॉर्मल सिल्वर। और मेरे पास है एक रिंग जो सनफ्लावर के है, जिसमें मिरर है सनफ्लावर के, येलो के बाद में, येलो नहीं है सर, इसमें एक मिरर है, बहुत अच्छा है, बड़ा भी कर सकते हो आप, जो मोटा मोटा है उसके ये खरीद सकते हो, खरीद लिया और बोला मेरे रिंग फिंगर में नहीं हो रहे तो क्या होगा, इसमें थोड़ा सा बिग कर दीजिए। और मेरे ये बहुत फेवरेट एक इयररिंग फिंगर रिंग है, तो इसमें कहाँ से एक नोती आया है, बिकॉज आप सब लोग इसको नोती नहीं क्या बोलते, मैं नहीं जानती हूँ हिंदी में, बस मैंने आगे ही आप सब लोगों को बोल दिया है, मैं इतना ज़्यादा अच्छा इंग्लिश नहीं बोल सकती, सॉरी इंग्लिश बोल दिया फिर से, इंग्लिश नहीं फैमिली। तो मैं कुछ इस वीडियोज़ में कुछ बार गाइस बोल दिया, तो इसलिए सॉरी, बस न्यू नेम रखा है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो फैमिली। तो ये है मेरे कुछ ईयरिंग्स और ये मेरे एक फिंगर रिंग है, कहाँ से कहाँ आ जाता है मेरे कुछ पता नहीं है, सच में बोल रही हूँ। और ये सब सन पापी का है जो अच्छे लगते हैं, ये है जो मैंने दिखा से लिया था स्टोन ईयरिंग्स जो बहुत अच्छा है, मुझको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड नेक्स्ट है चुटकी जो मेरे मम्मी के है, मेरे नहीं, मैं चुटकी इतना ज़्यादा पहनती नहीं हूँ। और इसमें मेरे डायमंड के जैसे कुछ ईयर रिंग्स है, देखो एकदम डायमंड के जैसा लगता है, ये मैं ही पहनती हूँ, कोई भी
लॉन्ग ड्रेस के साथ, शॉर्ट ड्रेस के साथ, जो थोड़ा सा चकमक हो जाते हैं। और यहाँ पर मेरे पास पास है कुछ स्टोन डिज़ाइनर पिन जो मैं लगाती हूँ, और यहाँ पर मैं गोल्डन ईयरिंग छोटे छोटे, तो मेरे पास ये टिकली है जो मैंने सनसिल्क के साथ पाया था, सनसिल्क शैम्पू। हाँ, और ये है मेरे स्टोन के जो मैंने दीघा से लिया था, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये असली तो मुक्ता नहीं है पर नकली मुक्ता है, अच्छा है, बुरा नहीं है। तो ये ब्लैक कुछ इयर रिंग्स है जो मेरे मम्मी के हैं, और ये तो सब लोगों को पता है ये मेरा नहीं है, ये मेरे मम्मी के हैं, मंगलसूत्र, मंगलसूत्र, तो ये थोड़ा सा निकल गया है इसलिए इसको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लगाने की कोशिश करी पर ये लग नहीं रहा है, ये लग गया एक्चुअली ना। माँ मुझको मैं फैमिली तो मुझको मेरे पास बहुत ज़्यादा माला नहीं है पर बहुत कम मेरे पास उतना ज़्यादा चोकर ऐसे नहीं, वन चोकर है और वन ये देखिए, ये झुमका खोल गया था इसलिए इसको लगा दिया है। ये खुल गया, बाद में लगा दूंगी। और मैं तो सब लोग जानते हैं ये तो मैं नहीं पाऊंगी बिकॉज मेरे शादी अभी तक नहीं है, मैं छोटी हूँ। ये है मेरी मम्मी का मंगलसूत्र जो फैशनेबल ड्रेस के साथ पहनते हैं, जो मैं पार्टी वगैरह होता है मेरे बर्थडे में थोड़ा सा ऐसा पहन जाता है। और ये सिटी गोल्ड के एक ज्वेलरीज जैसा है, तो ये भी मेरे मम्मी के हैं। और ये मेरे मम्मी सब कुछ मैं मेरे मम्मी शेयर करके पहनती हूँ, बाकी ये मंगलसूत्र बात। और ये है एक ऑक्सीडाइज का माला जो बहुत अच्छे दिखता है, बहुत अच्छा है, सुंदर है, ये एक माला है। और ये है एक चोकर। तो यहाँ पर ही मैं फिनिश करती हूँ मेरा वीडियो, बाय बाय गाइस, सी यू लेटर इन नेक्स्ट वीडियो, बू।